हेलो दोस्तों, तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, इनका स्क्वेयर्स निकालना है। तो स्क्वेयर तो बहुत इजी होता है यूजिंग कॉलम मेथड। अब हमें यूज़ क्या करना है, यहाँ पर कॉलम मेथड यूज़ करना है। ठीक है, कॉलम मेथड देखेंगे हम। फिर कहता है वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वेयर यूजिंग यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसकी यूजुअल मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी सामान्य मल्टीप्लाई करनी है और आंसर को चेक करना है। अब देखो, फर्स्ट आता है हमारा 2 और 5। कॉलम मेथड क्या होता है, देखो ये हमने 3 कॉलम बना लिए। ठीक है, देखो 25 दिया है, हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही सेम यहाँ पे हम लगाएंगे, a हमारी ये टर्म हो जाएगी, b हमारी ये टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉलम कैसे करेंगे, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए हम लिखेंगे हमारा a क्या है 2, b क्या है 5। अब रखो कॉलम्स के अंदर, टू का स्क्वायर 2 × 2a × b × 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आंसर आएगा, अब देखो 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 × 2 = 10 × 2 = 20, 2 × 2 = 4। अब देखो 5 में से यहाँ पर सिर्फ क्या रखना है, हमें लास्ट में सिर्फ एक डिजिट रखना है। तो 5 2 यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ये वाला जो 2 है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 20 + 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, यहाँ लिख देंगे, और ये 4 एज इट इज़। अब देखो आगे एक ही डिजिट यहाँ रखना है, तो 20 और 2 = 22 यहाँ पे कैरी किया गया हमारे पास 2, यानी 4 + 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा लास्ट में 6, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट में जो आंसर क्या आ गया 625। अब हम चेक करते हैं यूजिंग यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, यानी हम अब सामान्य मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि क्या यही आंसर आ रहा है। तो 25 मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 25 कैरी 2, 5 × 2 = 10 = 12, 2 × 5 = 10 कैरी 1, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 5 × 2 = 5 और 1 = 6। तो अभी भी आंसर क्या आ रहा है, ये 6। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला कॉलम वाला करेंगे। सेकंड है हमारा 37, तो 37 का हम यहाँ सेकंड डालते हैं, 37 का स्क्वायर। अब देखो 3 कॉलम हम यहाँ बना लेंगे। ठीक है, क्या क्या, 3 × 7 = 2 × 3 × 7। अब यहाँ क्या आ जाएगा 49, यहाँ क्या आ जाएगा 7 × 2 = 12 = 3 × 42। ठीक है, 3 × 3 = 9। अब आगे हम क्या कर देंगे, एक एक डिजिट रखेंगे और सबको कर देंगे ऐड। यहाँ पे रखा 9, कैरी किया 4। ठीक है, तो 42 और 4 = 46, 46 × 6 कैरी 4, 9 × 4 = 13। देखो यहाँ पे 2 डिजिट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ स्टार्टिंग में हमें सिर्फ एक ही डिजिट रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1369। अब यूजिंग यूजुअल मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से क्या करेंगे, 37 की 37 से मल्टीप्लाई, 7 × 7 = 49 कैरी 4, 7 × 3 = 21, 21 × 4 = 25, 3 × 7 = 21 कैरी 2, 3 × 3 = 9 और 2 = 11, 9 × 5 = 6, 2 × 1 = 3 और 1। क्या सेम आंसर आ रहा है यहाँ पर भी, तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, देखते हैं इसी तरह से थर्ड वाला, तो थर्ड हमारा क्या आ रहा है 54,
54 का स्क्वायर कैसे करेंगे? वही तीन कॉलम बना लेंगे हम। ठीक है, 5 का स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 4, 4 का स्क्वायर 4 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 4 ज़ा 14, 5 5 ज़ा 25। 16 का रखेंगे 6, कैरी गया 1 वहाँ पे, 40 और 1 41 का 1 कैरी गया 4, 29, तो आंसर हमारा क्या हो गया 2 1 2 9 1 6। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं यूजिंग यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ये लिख के हम करेंगे यहाँ पे 54 इंटू 54। अब देखो 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 5 ज़ा 20 और 1 21, 5 4 ज़ा 20 कैरी 1 सॉरी कैरी 2, 5 5 ज़ा 25 और 2 27, 6 1 7 और 2 9 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब देखते हैं हम अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ है हमारा क्या 71। यहाँ हम फोर्थ डालते हैं अपना 71 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे तीन कॉलम्स बना लेंगे अपने, जैसे हम हर क्वेश्चन में बनाते हैं। यहाँ पे आ गया 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, 1 1 ज़ा 1, 2 7 ज़ा 14, 1 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49। क्या हो जाएगा अब 1 4 1 कैरी 49 और 150, तो आंसर हमारा क्या हो गया 5041। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे यूजिंग यूजुअल मेथड। ठीक है, क्या करेंगे 71 की 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 1 7 7 14 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1। सो ये आंसर यहाँ पर भी क्या हो गया हमारा 5041। ठीक है, इसी तरह से हम लास्ट वाला देखते हैं, हमारा फिफ्थ वाला पार्ट क्या कहता है 96 का स्क्वायर। तीन कॉलम 1 2, 9 का स्क्वायर, 2 × 9 × 6 6 का स्क्वायर। यहाँ पे 62 नहीं है, 6 का स्क्वायर है, कभी 62 समझ लो। 6 6 जा 36, 2 9 जा 18 एंड 18 6 जा 108, 9 9 जा 81। अब कैरी कैसे करेंगे, 36 का क्या हो जाएगा सिर्फ 6, कैरी होगा 3, यहाँ पे हो गया 11 1 0 सॉरी 1 1 1 111 वन रखा, अब 11 गया यहाँ पे हासिल, तो 81 81 और 10 91 और 1 92, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9216। अब यूजुअल मेथड यूज़ करेंगे, यूजिंग यूजुअल मेथड कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 96 × 96, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 9 जा 54 और 3 57। अब ऐसे ही 9 से करो, 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86। ऐड करो 6 7 4 11 कैरी 1, 6 6 12 कैरी 1, 8 और 1 9, यही आंसर आ गया। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। इस तरीके से हमारा देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, ये यहाँ पे यहाँ इस तरीके से, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट, ये जो ये फोर्थ पार्ट, और ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कहता फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें ये नंबर दिए हैं, इनके स्क्वायर्स निकालने हैं, कौन सा मेथड यूज़ करके, डायगनल मेथड यूज़ करके। अब डायगनल में हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल होता है डायगनल, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं होता। इसमें क्या लिखा है यहाँ पे 98, हम क्या करेंगे 98 को ऐसे लिख देंगे 98 और यहाँ पर भी 98। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे चार बॉक्स बना लेंगे ऐसे, इनके सबके सीध में एक एक बॉक्स। ठीक है, ये 9 का, ये 8 का, ये 9 का, ये 8 का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे
हम इनके पार्ट कर लेंगे, इसका हाफ पार्ट। तो जब हम डायगनल मेथड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इस तरीके से ये यहाँ पर इस तरीके से इस डब्बे को जो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है, सिंपल 9 की 9 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 9 की 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर 8 की 9 से यहाँ करके लिखना है, 8 की 8 से करके यहाँ लिखना है। अब देखो 9 9 81, तो हम यहाँ लिखेंगे 81, आगे वाला ऊपर पीछे वाला नीचे, 9 8 72, ठीक है। इसी तरह से देखो 8 9 72, 8 8 64। अब देखो अब क्या करना है, इस डब्बे में जितने भी आएंगे उनको ऐड करो, यहाँ लिखो 4। इस बॉक्स में ये जो बॉक्स है हमारा, ये इसको ऐड करेंगे हम, ठीक है, इस वाले को पूरे को, क्या हो जाएगा 2 और 2 4 और 6 10, यहाँ पे 7 और 7 14 और 1 15, ठीक है। और यहाँ पे 8। अब इनको लिखो कैसे लिखेंगे, यहाँ से 4 10 किए 0, ये कैरी 1 यहाँ पे 16 हो गया, 16 का 6 कैरी 1, 8 का 1 और 9, ठीक है। तो ये आंसर हमारा क्या आ गया इस तरीके से, 9604। तो ये हो गया हमारा आंसर, मतलब 98 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 9604, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, सेकंड हमारे पास क्या है, 273। तो ये देखो 273। अब 273 हम क्या करेंगे, सेम 273 को भी इधर लिखेंगे 273, यहाँ भी 273, ठीक है। बॉक्स बनाएंगे, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इनको इस तरीके से हाफ ऑफ कर लेंगे, ये देखो, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0 यहाँ पे 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49, 7 3 ज़ा 21, 3 7 2 ज़ा सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। अब क्या करेंगे ऐड, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ देखो इस वाले लाइन में 6 और 6 12, 2 और 2 4 और 9, यानी कि 9 हम करेंगे 6 और 2 8, 8 9 17, 17 2 19, 19 और 6 25, इधर ऐड करेंगे 4 4 8 और 16, यहाँ पे हो गया हमारे पास 16, इधर ऐड करेंगे 4 और 1 5 और 1 6, इधर 0, ऐड करो अभी इन सबको, ये क्या हो जाएगा आंसर, 9 2 5 2 कैरी 16 और 2 18 कैरी 1, यहाँ पे क्या आया था हमारे पास 6 और 1 7, ठीक है। अब वो 0 आगे 0 हमें लगानी है या नहीं लगानी है, तो 0 हम लगाते नहीं हैं, तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। 4 8 12, ये 12 आएगा भाई, 12 और 2 14, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 7 4 5 2 9। अब देखते हैं हम अपना थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या है, यहाँ लिखेंगे थर्ड पार्ट 3 4 8। तो इसके कॉलम कैसे बनाएंगे हम, 3 4 8 3 4 8, अब सबके कॉलम, ये 3 का हो गया, ये 4 का, यहाँ 3 यहाँ 4, अब आगे इसका हाफ, इसका हाफ, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी बॉक्स क्रॉस, और यहाँ भी 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64। अब आगे क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे,
ये हो गया 4, 6 और 2 8 और 2 10, इधर देखो 6 और 4 10, 13, 16 और 4 20, यहाँ पे 2, 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 4 यहाँ पे 0 कैरी 1, 21 का 1 कैरी 2, 9 और 2 11 कैरी 1, 11 और 1 12, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 1 0 4, 1 2 1 1 0 4। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब इसी तरह से हम अपना फोर्थ पार्ट देखेंगे, तो हम इसको आगे लिख देंगे क्या कि 348 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 1 2 1 1 0 4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी लिख देंगे हम क्या, 273 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 7 4 5 2 9। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 295, तो 295 को कैसे लिखेंगे, 295 295। इस तरीके से हम अपना फिर से बॉक्स बना लेंगे, एक ये 2 की लाइन, 9 की लाइन, इधर 2 की, इधर 9 की, कट, यहाँ भी कट, यहाँ भी कट, ये भी कट, और लास्ट वाला भी। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 9 2 ज़ा 18, 9 9 ज़ा 81, 9 5 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सम, 5 5 5 10 और 2 12 कैरी 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10, यहाँ पे देखो 8 16 24 25 26, यहाँ पे देखो 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ पे 0, ठीक है। ये इनका सम करा तो हम क्या आंसर लिखेंगे हमारा, 5 2, ये 0, 1 कैरी 26 और 1 7, कैरी 2 6 और 2 8। अब 0 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 295 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 7 0 2 5। अब इसी तरह से हमारा लास्ट है फिफ्थ वाला, क्या कहता है, 171 का स्क्वायर कैसे होएगा, 171 171, फिर से हमारे पास ऐसे ही, ये 1 का, ये 7 का, 1 7, कट, ऐसे कट, ये भी कट, ये भी कट, और ये भी कट, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, 1 1 ज़ा फिर से 1, 1 7 ज़ा फिर से 7, 1 1 ज़ा फिर से 1। ऐड करो, इसके इधर ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 7 और 7 14, यहाँ पे देखो 9 और 1 10 और 1 11, यहाँ पे देखो 7 7 14 और 4 18, यहाँ पे 1 और यहाँ 0। कैसे लिखेंगे इसको, 1 14 का 4 कैरी 1, 11 और 1 12 का 1 कैरी 1, 18 1 19 कैरी 1 1 और 1 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 29241। तो 171 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 29241, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखो इस तरह से सारे कॉलम बनाने हैं हमने और फिर आंसर निकाल देना है जोड़ के। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कहता है इन सभी नंबर्स के ना स्क्वायर्स निकालने हैं। अब यहाँ पे कोई मेथड तो दिया नहीं हुआ है कि हम स्पेशली फॉलो करना है कि हम ये वाला मेथड फॉलो करें, यहाँ पे कॉलम मेथड लगाएं या फिर कौन डायगनल मेथड लगाएं या और कोई मेथड लगाए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने मल्टीप्लाई से किया है, चाहे तो मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, और अगर कॉलम मेथड लगाना है तो कॉलम मेथड लगा सकते हैं, डायगनल लगाना है तो डायगनल लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई से किया भी, देखो इसको हम डायगनल से करते हैं, 5 0 3 5 0 3, कैसे करेंगे, सबके एक एक कॉलम, यहाँ भी एक एक कॉलम, हाफ़ यहाँ भी हाफ़, ये वाला भी हाफ़,
ये भी हाफ, ये भी हाफ, 5 5 20 25, 5 0 0, 5 3 15, 0 से करा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 3 5 15, 3 0, 3 3 9, क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे सम 0, यहाँ पे 5 5 10, 0 10, 1 1 2, 0 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 9 0 0, कैरी 1 2 1 3, 0 5 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड, मतलब 2 5, ये 0, ये 0 नहीं आएगी, देखो 0, ये 9 यहाँ पे, 0 ये 0, 5 5 10, 1 और 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, 5 और 0, तो 5 हो गया, 0 तो है ही नहीं, यहाँ पे 2, तो ये हो गया 2 5 3 0 0 9। इसी तरह से 450 का चेक करेंगे हम, तो 450 का सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम। अब देखो 450 का स्क्वायर एक तरीके से निकालते हैं हम, देखो जब भी स्क्वायर किसी के पीछे 0 हो, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 00 हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पे क्या लगाएंगे हम 45 में, ये ध्यान से देखना, ये बहुत ईजी ट्रिक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो 5 देखो जिसके पीछे 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, दो डिजिट हैं, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 को हम पहले लिख देंगे, ठीक है। अब 4 जब भी जो आगे वाला डिजिट होता है ना, उसकी मल्टीप्लाई उससे आगे वाले डिजिट से कर देते हैं, जैसे 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 की 5 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे हम, 20, तो यही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं, 25 का स्क्वायर निकालना हमें, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3 से, तो 2 3 6, और यही हमारे पास क्या होता है आंसर। तो जब भी हमें ऐसे निकालना है 95 का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे, 5 5 25, 9 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 9 90, ये आंसर निकाला, और ये हो गया हमारा आसानी से स्क्वायर। तो देखो जब 1 0 2 0 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 00 हो जाती है। 45 का हमने ये वाला मेथड लगा कर लिया, ये रफ है समझाने के लिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई तो हमेशा करने के लिए है ही हमारे पास, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 8 6 2 मल्टीप्लाई 2 2 4, 2 6 12, कैरी 1, 2 8 16 और 1 17, 6 2 12, कैरी 1, 6 6 36 और 1 37, कैरी 3, 6 8 48, 48 और 3 51, 8 2 16, कैरी 1, 8 6 48 और 1 49, कैरी 4, 8 8 64 और 4 68, 4 2 2 4, 7 7 14 और 6 20, कैरी 2, 10 11 और 2 13, कैरी 1, 5 8 13, 1 14, कैरी 1 7, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 7 4 3 0 4 4। इसी तरह से 265, अब देखो अगर 265 भी हम मल्टीप्लाई करना चाहें ना इस मेथड से, कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 26 की 27 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर आपको 26 का स्क्वायर पता है उसमें 26 और ऐड करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा सिंपल, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 5 5 25, कैरी 2, 5 6 30, 32, कैरी 3, 5 2 10 3 13, 6 5 30, कैरी 3, 6 6 36, 3 39, कैरी 3, 6 2 12 और 3 15, 2 5 10, कैरी 1, 2 6 12 और 1 13, कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 5 2, अब देखो 25 तो आ ही गया, 9 3 12, कैरी 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 3 10, कैरी 1, 5 6 7, तो ये हो गया हमारा आंसर 70225। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो 4th क्वेश्चन में भी हमें फिर से क्या है, स्क्वायर्स निकालने हैं इन सभी नंबर के, लेकिन अब बात ये है कि इतनी लंबी लंबी मल्टीप्लाई करके तो मैं बिल्कुल ही बोर हो गई, आप भी बोर हो गए होंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई भी मेथड यूज़ कर लेंगे, हम डायगनल मेथड यूज़ कर लेंगे क्योंकि ये आसान है। देखो 4 25, इधर भी 4 25, ऐसे हमने बना लिया है बॉक्स, लिए लाइन लगाई हमने
इसको कट किया, यहाँ भी कट, यहाँ भी कट, ठीक है। अब देखो, फोर फोर ज़ा 16, तो ये हो गया 1, ये हो गया 6, फोर टू ज़ा 8, फोर फाइव ज़ा 20, ठीक है, टू फोर ज़ा 8, टू टू ज़ा 4, ये 8 है, टू फाइव ज़ा 10, फाइव फोर ज़ा 20, फाइव टू ज़ा 10, फाइव फाइव ज़ा 25, ऐड करो 5 2 0 0 2 1 4 1 6, यहाँ पे देखो 2, 8 8 16 और 4 20 0, ये हो गया 20। इधर क्या सम 6 और इधर क्या 1, तो आंसर हमारा क्या आ गया 5 2 6 0 carry 2, 6 और 2 8 और 1, ठीक है, तो हो गया 1 8 0 6 2 5। इसी तरह से हम ये देखेंगे, फाइव सेवन फाइव, ये फाइव का कॉलम, ये सेवन का, ये फाइव का, ये सेवन का, ये कट, ये कट, ठीक है, फाइव फाइव ज़ा 25, फाइव सेवन ज़ा 35, फाइव फाइव ज़ा 25, सेवन फाइव ज़ा 35, सेवन सेवन ज़ा 49, सेवन सा फाइव ज़ा 35, फाइव फाइव ज़ा 25, फिर से 35, 25, करो ऐड 5, 5 5 10 टू 12, कैरी, ये 12 पूरा ही लिख देंगे। अभी देखो 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 8 16, 16 और 9 25, यहाँ पे देखो इस वाले में 5 5 10 4 14, 16 18, ठीक है, ये सर्कल कर देते हैं हम ताकि हमें आसानी से पता चल जाए। 3 3 6 और 5 11, 2, ठीक है, क्या लिखेंगे इसका आंसर, 5, 12 का 2 कैरी 1, 25 और 1 26 कैरी 2, 18 और 2 20 कैरी 2, 11 और 2 13 कैरी 1, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज़ 3 3 0 6 2 5, ठीक है। अगर इसको कर सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 57 की 58 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 4 0 5, 5, ये हमने बॉक्स बनाया, फोर फोर ज़ा 16, फोर ज़ीरो ज़ीरो, फोर फाइव ज़ा 20, ज़ीरो की करी हर जगह ज़ीरो, फाइव फोर ज़ा 20, फाइव ज़ीरो ज़ीरो, फाइव फाइव ज़ा 25, करो सम, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गई 0, यहाँ आ गया 2 and 2 4, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 1, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 5 2 0 4 4 6 1, मतलब 1 6 4 0 2 5, तो ये हो गया हमारा 4 0 5 का। अब ये देखो 2 0 5, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 0 5 को, सिंपल 5 5 ज़ा 25, 20 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 21 से, अब देखो 21 2 ज़ा 42, ये 0 थी तो 0, तो ये आंसर हो गया 4 2 0 2 5, ये हमने मेथड लगा के किया है, ठीक है, शॉर्टकट वाला मेथड होता है ये, इसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी देखो 95 का हम क्या कर सकते हैं, 95 5 का 25, 9 का 10 से मल्टीप्लाई, 9 10 ज़ा 90, तो ये हो गया हमारा आंसर 9 0 2 5। 7 4 5, अब यहाँ भी निकाल सकते हैं, सिक्स पार्ट करते हैं 7 4 5, अब 7 4 5 का हम क्या कर सकते हैं, 7 4 5, देखो 74 के तो 75 से मल्टीप्लाई कर लो जैसे इनमें है, अब ये वाले आप अपनी कॉपी में ऐसे मत करना, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, आप मल्टीप्लाई करके ही कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्या पता कई टीचर हों ये बोल दे आपने सीधा ही आंसर लिख दिया है निकाल के, गलत लगा दें, तो इसलिए है बेटर है कि आप ऐसे ही इनको आंसर लिख दें, मतलब
मल्टीप्लाई करके। यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हर क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से नहीं करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 कैरी 2, 5 4 20 और 2 22 कैरी 2, 5 7 35 और 2 37, 4 5 20 कैरी 2, 4 4 16 और 2 18 कैरी 1, 4 7 28 और 1 29, 7 5 35 कैरी 3, 7 4 30 28 और 3 31 कैरी, 3 7 7 49 और 3 52। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 2 715 520 कैरी 2, 3 और 2 5 और 1 9 और 1 10 और 3 13 और 2 15 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो 5 1 2 है, अब 5 1 2 को भी हम ऐसे ही कर लेंगे, 5 1 2। ठीक है, 5 1 2 कौन सा मेथड लगा के, डायगोनल मेथड लगा के इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसको भी आधा कट, देन ये भी कट, ये भी कट, ये भी आधा कट, फिर ये भी और ये भी, ये भी और ये भी, ये भी। ठीक है, तो देखो 5 5 20 5, 5 1 5, 5 2 10, 1 5 5, 1 1 1, 1 2 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4। ऐड करो इधर 4, 2 और 2 4, 1। यहाँ पे ये सर्कल इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अलग से पता चल जाए, इनमें मिक्स ना हो। 5 5 10, 1 और 1 12। ठीक है, इधर आ गया 5, इधर आ गया 2। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4 4 1 2 कैरी 1, 5 और 1 6 और यहाँ पे आ गया 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, 2 6 2 1 4 4। ठीक है, इसी तरह से देखेंगे 9 95। अभी देखो 9 95, 5 का स्क्वायर 25, 99 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 9 9 0 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। अब देखो हमारा 5th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग आइडेंटिटी दिस, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब देखो ए को हम क्या मानेंगे, अब ए को हम खाली 4 नहीं मान सकते, ठीक है, बी हमारा 5 हो जाएगा लेकिन ए को खाली 4 नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको मानेंगे 40 और इसको हम मानेंगे 5। ठीक है, इस तरीके से तो हम ए और बी को मतलब 40 और 5 भी नहीं लेंगे क्योंकि वो 45 हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों सम करना है। तो हम 45 को 405 को कैसे लिख सकते हैं, 400 प्लस 5 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर, ये ऐसे डिवाइड में नीचे लिखना नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ बताने के लिए कि 405 को क्या लिख सकते हैं, 400 प्लस 5 कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर यानी 400 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 400, बी की वैल्यू 5 प्लस बी का होल स्क्वायर 25। अब आंसर क्या हो जाएगा, देखो 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 4 16, 20 है तो ये 40 हो जाएंगी। अब ये देखो 2 4 8 8 5 40, अब 20 हैं तो 20 यहाँ हो जाएंगी और 25 यहाँ हो जाएंगी। तो सिंपल ऐड करना, देखो लास्ट में 0 है, 0 है, 5 है, लास्ट हो गया 5, लास्ट में दूसरी भी 0 है तो यहाँ भी हो गया 2। ठीक है, अब उसके बाद तीसरी यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0, तो यहाँ क्या हो गया हमारा 0। उसके बाद चौथा डिजिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, तो ये क्या हो गया हमारा 4 और ये 16 एज इट इज़, तो 1 6 4 0 2 5 हमारा क्या हो गया आंसर। अब इसी तरह से 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 10, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 0 0, यहाँ देखो 2 5 ज़ा 10, ये 20 हैं तो 20, 10 ये भी तो ये भी, 10 का स्क्वायर 100। अब लास्ट में सारे 3 डिजिट तक यहाँ 1 है, ये 100 हो गया,
यहाँ 3 डिजिट तक ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो है। 4 डिजिट पे यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, तो यहाँ ज़ीरो लिखेंगे हम। 5 डिजिट पे ये 1 है, यहाँ पे 5 है, 5 और 1 6, और ये 2। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2026010। ठीक है, यहाँ देखो इसको क्या करेंगे हम, 1001, इसको क्या लिखेंगे, 1000 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 1000 का स्क्वायर प्लस 2 × 1000 × 1 + 1 का होल स्क्वायर, इसका 1000 का क्या हो जाएगा, 30 है, 60 हो जाएंगी, डबल हो जाती 0 स्क्वायर में, ये 2 1 ज़ा 2, 30 एज इट इज़, और 1 का स्क्वायर 1, आंसर क्या हो गया 1। अब देखो 2 डिजिट आगे 0 हैं, 0, फिर 0 2 हैं, अब कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ये 2 0 एज इट इज़, और 1, ये हो गया हमारा आंसर। 209 को भी क्या लिखेंगे हम, 200 + 9 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर + 2 × 200 × 9 + 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 400, और 2 0 एक्स्ट्रा, 2 2 ज़ा 4 9 ज़ा 36, 2 0 प्लस में 9 9 ज़ा 81, क्या आंसर हो गया, लास्ट में 2 0 है 81, फिर 36, अब 4 0 ख़त्म, तो ये आ गया लास्ट में 4। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 6 8 1। ठीक है, अब आता है इसका पार्ट नंबर 5, 605। तो 605 को हम क्या लिख सकते हैं, ये पिछले वाले का था भाई, 605 को हम क्या लिख सकते हैं, 600 + 5 का स्क्वायर। ठीक है, देखो 600 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 600 का स्क्वायर प्लस 2 × 600 × 5 × 5 का स्क्वायर, 600 का क्या हो जाएगा, 36, और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा 0, ये 2 6 ज़ा 12 5 ज़ा 60, 2 0 हैं तो 2 0 एक्स्ट्रा, ये हो गया 25, तो 25 एज इट इज़, तीसरी यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0, चौथी यहाँ 0 है तो यहाँ 6 हैं तो यहाँ 6, और फिर आ जाएगा हमारे पास 36, तो ये आंसर हो गया हमारा 366025। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द आइडेंटिटी a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। इस बार क्या करना है हमें, इन टर्म्स को इस तरह से डिवाइड करना है कि a - b हो जाए, a - b का मतलब एक टर्म में से माइनस करें। अब देखो 395 को हम क्या ऐसा लिखें कि उस एक टर्म में से दूसरे टर्म माइनस करें तो हमारे पास 395 आ जाए, तो हम क्या इसको 395 को 400 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास 395 आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 395 को 400 माइनस 5 लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करना है तो इसका भी स्क्वायर करना है। अब देखो ये हो गया ना a - b का होल स्क्वायर, तो हमें ये देखना है कि इसको हम किसके आसपास लिख सकते हैं, ठीक है, किस में से क्या माइनस करें कि ये आंसर आ जाए। पिछले में हमें देखना है कि ऐसे क्या टुकड़े तोड़ें कि आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए हमारा और आंसर भी आ जाए। देखो जैसे 405 था, एक बार पीछे वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ था 405, इसको हम दो टुकड़ों में कैसे तोड़ सकते थे, इसको हमने 400 + 5 में तोड़ा, क्या हम इसको 400 + 5 के अलावा किसी और टुकड़े में तोड़ सकते थे, तो बिल्कुल तोड़ सकते थे, हम इसको 200 + 205 भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। हमने इसको ऐसे टुकड़े में क्यों तोड़ा, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, मल्टीप्लिकेशन हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो करनी, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ा कि जहाँ पे 0 0 हो जाए और एक लास्ट में बच जाए। इसी तरह से हम यहाँ पे ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे कि 0 0 हो जाए और हमारा लास्ट बच जाए और आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए। अब देखो हमने इसको ऐसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a² यानी 400 का स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू 400, b की वैल्यू 5 प्लस b का स्क्वायर 25, वैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो 400 16 हो जाएगा भाई, 4 का भी तो स्क्वायर होएगा ना, माइनस, अब पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, 25 माइनस 4 8 ज़ा 4 सॉरी 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40, ठीक है, अब 2 0 हैं तो 2 0 होगी, इसको प्लस करो 1 6 0 0 2 5 - 4000, क्या आंसर आएगा, 2 5 एज इट इज़, यहाँ पे 0 एज इट इज़, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है 4, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 5, ये 5 और ये आ गया 1,
तो आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पे 156025। इसी तरह से 995 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1000 - 5, अभी भी ये 995 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1000 का स्क्वायर माइनस 2 × 1000 × 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 का स्क्वायर प्लस में क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होता है, कोई भी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम इसको सीधा पॉजिटिव ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 100000 माइनस 2 5 10 और 3 0 ये पहले से ही थी, प्लस 5 5 20 5। करो प्लस इसको, 100000 माइनस 100000। तो देखो अब ये 4 0 हैं तो 4 डिजिट तो एज इट इज़ हो जाएंगे 0025। उसके बाद यहाँ पे आया है पांचवा डिजिट, तो 10 में से एक गया 9, यहाँ पे क्या बचा 9 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे क्या बचा 0 बचा, तो सेकंड आंसर हमारा क्या हो जाएगा 990025। ठीक है, थर्ड देखते हैं इसी तरह से 495 को क्या लिख सकते हैं हम, 500 - 5 लिख सकते हैं इसको, तभी 495 होएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 500 का स्क्वायर माइनस 2 × 500 × 5 प्लस में 5 का स्क्वायर, 500 5 5 20 5, 2 0 हैं इसका 4 0, माइनस 2 5 10 5 50 और 2 0 ये एज इट इज़, प्लस 5 5 20 5। तो अब क्या आंसर हो जाएगा 250025, माइनस करो 5 0 0 0, 3 0 हैं एज इट इज़, तो ये हो गया 025। अब यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे माइनस करा हमने, कैरी लिया तो यहाँ हो गया 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 4, इसको एज इट इज़ और ये हो गया हमारे यहाँ पे 2। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 245025। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 498। अब 498 तो सिंपल ही है, 500 में से हम 2 घटा देंगे तो 498 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 500 का स्क्वायर माइनस 2 × 500 × 2 प्लस 2 का स्क्वायर, 500 का फिर से 25, ठीक है, और ये 2 0 3 की 4 0, 2 5 10 2 20, 2 0 एज इट इज़ प्लस 2 2 4, क्या आंसर हो जाएगा 250004 माइनस 2000। तो माइनस करो, 3 0s तक तो एज इट इज़ आ जाएगा 004। अब यहाँ 0 है तो देखो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 4 4, और ये हमारा आ गया यहाँ पे 2, तो आंसर क्या हो गया 248004। ठीक है, 99 कैसे आएगा, 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो 99 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस 2 × 100 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 10000 हो गया, प्लस 1 माइनस, देखो ये प्लस 1 इधर पहले लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से जोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 2 0 0, अब ये क्या हो गया 1 0 0 1 माइनस 2 0 0 0, 3 डिजिट तक एज इट इज़ 0 0 1, अब यहाँ पे आ गया 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना 0, तो आंसर क्या हो गया हमारा 8 0 0 1। ठीक है, तो ये 10, ये 2 0 थी भाई यहाँ पे, ये 3री 0 यहाँ पे मिस्टेकनली हो गया, तो 2 0 तक कॉमन रहेगा, यानी कि 0 1 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 है तो इसने कैरी लिया, तो यहाँ पे 10 में से 2 गया हमारे पास 8। ठीक है, तो ये आंसर हम दोबारा लिखेंगे, देखो दो यहाँ पे 2 ही 0 हैं तो 2 0 तो यहाँ पे आ गया 0 1, अब यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 2, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, तो ये हो गया 9, तो आंसर क्या आ गया 9801। अब 999 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या 1000 का स्क्वायर माइनस 2 × 1000 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 6 0 आ जाएंगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 2 3 0 प्लस में 1, जोड़ो 1000001 माइनस 2000,
क्या हो जाएगा, तीन जीरो है, तीन जीरो एज इट इज़ 001। अब यहाँ पे ज़ीरो है और टू है, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9, यहाँ भी बचा 9, क्या यहाँ भी कुछ बचेगा, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ज़ीरो ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 998001। अभी देखो 599, तो 599 को हम क्या लिख सकते हैं, 600 माइनस 1 का स्क्वायर। अब 600 को क्या लिखेंगे, 600 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 600 इंटू 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। 600 को क्या लिखेंगे, 360000 माइनस 2 6 12 और 20 प्लस में 1, ऐड करो 360001 माइनस 1200 करो। अब ये 20 है, 01 एज इट इज़, यहाँ आया 00 में से, मतलब 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 5 और ये बचा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 358801। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन कहता है, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय विजुअल मेथड। यानी हमें ये सारे क्वेश्चंस विजुअल मेथड से निकालने हैं। विजुअल मेथड सिंपल कुछ भी नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला मेथड ही है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जिस मेथड से, यानी कि बी स्क्वायर को पहले आगे लिख लो या पीछे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक सी चीज़ है दोनों। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, 52 को किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 50 प्लस 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 50, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25, 0 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, आंसर क्या हो गया, लास्ट में है 4 और इसके भी बाद है 2 24 और यहाँ पे आ गया 2 5। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 5। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 और ये एक ज़ीरो, ये वाली ज़ीरो तो रह गई थी, ये ज़ीरो हो गई, तो लास्ट में हमारे पास ये आंसर दोबारा जोड़ो, देखो 0 4 0 4 आ गया लास्ट में, 0 0, तो ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे 2 और 5 और 2 7 और यहाँ पे हो गया 2, तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2 7 0 4। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास 95 है, तो 95 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, 95 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कि ये विजुअल मेथड हमारा टुकड़ों में तोड़ने वाला ही है, तो 95 को हम ऐसे लिख देंगे, 100 माइनस 5, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, 90 प्लस 5 करके भी कर सकते हो, तो 100 माइनस 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब 100 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 5। ठीक है, तो आगे हम कैसे करेंगे, 100 का स्क्वायर 10000। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा, 25 माइनस 2 5 ज़ा 10 और 20 हैं ये यहाँ पे, अब 10025 माइनस 1000। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे, 3 0 तो 025 एज इट इज़, यहाँ बचा ये 0, यहाँ बचा 1, तो 10 में से 1 गया 9, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9025। ठीक है, थर्ड देखो 505, तो 505 को क्या लिख सकते हैं, 500 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 5, ये 500 का क्या हो गया, 25 0000 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 20 हैं, 20 एज इट इज़, करो ऐड, ये 20 है लास्ट में, यहाँ भी 20 और यहाँ पे 25, तो क्या हो जाएगा, 25, यहाँ तीसरी 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये तीसरी 0 एज इट इज़, यहाँ पे चौथी 0 है 5 और ये हो गया हमारा आगे 25, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 255025। 702 को क्या लिख सकते हैं, 700 प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, 700 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 700 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 20 का 40, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 20 हैं, 20 एज इट इज़, लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 0 2 8। ठीक है, ये 4 0 कम्प्लीट होगी, 4 9, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 9 2 8 0 4।
99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 100 माइनस 1 का क्या लिखेंगे हम, 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 ये 4 जीरो हो जाएंगी, 1 का 1 माइनस 2 इंटू 100, 200 करो 10001 माइनस 200, क्या आंसर आ जाएगा, इसमें से 1 एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ 0 है यहाँ पे, तो 0 में से 10 गया, सॉरी 0 में से 2 गया, यानी कि 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा है 9, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ बचा 0, तो 9801 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 3.3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले ना एक अनाउंसमेंट करनी मेरे को लास्ट ना ऐसा, तो मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ आप सभी के लिए है। देखो, बहुत सारे बच्चों के ना कमेंट्स में डाउट आते हैं कि आपने कैसे हुआ, दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बनाओ या दोबारा से सॉल्व करो। तो अब वीडियो बनाना बार बार एक ही टॉपिक पे मेरे लिए इतना पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना टाइम मेरे लिए सच में ही नहीं बच पाता है। तो उस चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन मैंने ये सोचा है कि हम ये कर सकते हैं कि हम लाइव क्लास शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, अगर वो लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, वहाँ पे मैं आपके लाइव डाउट भी लूँगी, जो भी होंगे क्लासेस लाइव ही रहेंगी, ठीक है, यूट्यूब पे ही, तो वो लाइव स्टार्ट कर सकते हैं। और सिक्स क्लास हो, सेवन्थ हो, एट्थ हो, जो भी क्लास है हमारी, उसके लिए अगर हमारे बैच में 20 बच्चे हो जाते हैं तो फिर हम उस बैच को कम्प्लीट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस के लिए शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम जल्दी ही लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल की, जिससे कि जो भी लाइव क्लासेस होंगी, जो ओनली मेंबर्स के लिए होंगी, सभी क्लासेस की, चाहे वो सिक्स क्लास की हो या सेवन्थ की हो या एट्थ की हो, जो मेंबर्स के लिए होंगी, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप कोई भी डाउट हो तो आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।